हेलो एवरीबॉडी, आज हम जानने वाले रेसिस्टर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। रेसिस्टर को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक है सीरीज कनेक्शन में और दूसरा पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टर को ट्रेन के डब्बे की तरह एक के पीछे कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज कनेक्शन में रेसिस्टेंस की वैल्यू ऐड होती चली जाती है, जो कि है आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हम रेसिस्टर को एक के नीचे कनेक्ट करते हैं, जिसे लटकते हुए हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला रहता है, जो कि है आर इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। हमारे पास है दो रेसिस्टर, ये 15 के का रेसिस्टर है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये बराबर 15 आ रहा है, एंड नेक्स्ट हमारे पास दूसरा रेसिस्टर है वो 100 के का, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 198.4 आ रहा है, वो भी 100 के का ही है। अब इसको हम सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं। फर्स्ट इसको एक कॉर्नर में रख लेना होता है। देखिए मैंने इसको आसपास में एक सीरीज की तरह लगा लिया है। अब मल्टीमीटर एक पिन को हम इधर लगाएंगे, एक बार पिन को कॉर्नर में लगा देखेंगे। 100 के का और 15 के का रेसिस्टर यूज किया है, जिसका टोटल 115 के आना चाहिए। देखिए 114.1 के आया है, जो कि करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट पैरेलल को हम देख लेते हैं। अब देख सकते हैं मैं पैरेलल में ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसको आज हमने सामने कनेक्ट कर दिया है। अब इधर आप कनेक्ट कर देखते हैं। कैलकुलेशन से हमें आउटपुट कुछ 13.04 कुछ आउटपुट आना चाहिए था, हमें अब 12.9 आउटपुट आया है, जो कि बहुत क्लोज है, तो करेक्ट आंसर। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर